तो हमने लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में इधर छोड़ दिया था, तो अभी तो CCBs तो हमने पहले से ही पढ़ के रखा था, मतलब एक लेक्चर पहले ही ख़त्म किया है। तो CCBs का तो ये पूरा हमने पढ़ा था कि हम लोग फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज़ पे करते हैं, देन इसको एस्थमा भी यूज़ कर सकते हैं, एंजाइना भी यूज़ कर सकते हैं, अगर रीनल फंक्शन को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी ये ख़राब नहीं करता, ठीक है, प्रेगनेंसी में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, निपल प्रोफाइल इज़ नॉट अफेक्टेड, ओके, डायबिटिक्स, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ सब में अपन यूज़ कर सकते हैं इसको। हाँ, बट एक्चुअली में क्या है ना कि एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, ओके, कैसे है कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो जाती है कि हम CCBs को ना मोस्टली कब यूज़ करते हैं, दे आर मोस्टली यूजफुल इन एंटी हाइपरटेंसिव इन साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन इन रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स। तो रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स के अंदर साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम CCBs दे सकते हैं मेजरली अगर हम बात करें तो, ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है JNC7, तो वो कंसिडर करते हैं कि CCBs जो है वो कम सूटेबल है फॉर मोनोथेरेपी इन हाइपरटेंशन। तो मतलब आप ऐसे हाइपरटेंशन के लिए खाली CCBs दोगे तो नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव इट विद सम अदर कॉम्बिनेशन एज वेल, भले ही वो फर्स्ट लाइन थेरेपी हो बट आपको इसको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन थेरेपी होनी चाहिए, एंड स्ट्रोक प्रिवेंटिंग पोटेंशियल तो ऑफकोर्स है ही उसके पास। एंड दूसरा एक चीज़ जो है कि एंटी हाइपरटेंसिव में अपन उसको यूज़ कर, मोस्ट यूजफुल एंटी हाइपरटेंसिव इन साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन इन रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, करेक्ट है। देन दूसरा यहाँ पर क्या था, नेगेटिव आयनोट्रोपिक एंड रोमोट्रोपिक एक्शन ऑफ वेरापामिल डेल्टास एम में वर्सन CHF एंड कार्डियक कंडक्शन, तो हमने कल ही देखा था कि यू नो हाँ ये पार्ट हमने देखा नहीं था, हमने लास्ट वाला पॉइंट देखा था DHPs वाला में एक्विनेट ब्लैडर, अच्छा ये भी हमने देखा नहीं था, सॉरी, एक सेकेंड ना, मीटम लॉकर्स, देन फर्स्ट चॉइस, अनफॉर्म लॉकर्स, अनफॉर्म लॉकर्स तो काफ़ी है हमारे पास, एक सेकेंड ना, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए बेसिकली कि आपका एनाट्रोपिक एक्शन का मतलब क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक एक्शन का मतलब क्या होता है। तो एनाट्रोपिक का मतलब ये होता है कि द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट बेसिकली विल बी इंक्रीज्ड, एंड हाँ मतलब एनाट्रोपिक में अपन फोर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं, एंड क्रोनोट्रोपिक में अपन बात करते हैं फोर्स हार्ट रेट की, ओके। तो क्योंकि हमारा CCBs का बेसिकली नेगेटिव रैपिड डेल्टाइज़म का हमने लास्ट टाइम देखा था कि रैपिड डेल्टाइज़म का बेसिकली जो है एक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और नेगेटिव एनाट्रोपिक इफेक्ट पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, तो वो एक है, ओके, एंड दैट में वर्सन द CHF, बिकॉज CHF के अंदर क्या हो रहा है कि पहले ही आपके हार्ट मसल जो है वो नाजुक हैं, बराबर है, उनको वैसे ही उनको काम करने को हो नहीं रहा है, और उसके ऊपर से अगर आपने उनके कॉन्ट्रैक्शन वो सब कॉन्ट्रैक्शन जो है और भी कम कर दी तो यू नो इट में वर्सन, समझ में आ रहा है, क्योंकि वर्सन की हो जाएगा बिकॉज फिर वैसे ही बॉडी में आपका कंडक्शन रेट जो है कम है, और अगर आपने और भी मतलब आपने नेगेटिव एनाट्रोपिक इफेक्ट बता दिया हार्ट के मसल्स के ऊपर, तो इट विल लीड टू वर्सनिंग ऑफ द सर्कुलेशन इन द बॉडी, करेक्ट है, एंड कार्डिक कंडक्शन इफेक्ट्स भी बहुत गंदे हो सकते हैं, बराबर है। तो वो एक चीज़ है, तो यहाँ पर वो एक चीज़ मेरे को बोलनी पड़ेगी, दैट नेगेटिव एनाट्रोपिक इफेक्ट बेसिकली वो पड़ता है रैपिड डेल्टाइज़म का, वो एक आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी। सेकेंडली वी हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, हाँ हम लोग DHPs की बात करेंगे नहीं बिकॉज DHPs का जो इफेक्ट है वो स्मूथ मसल्स पे है, ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल्स मतलब ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर उसका इफेक्ट है, हार्ट के ऊपर तो उसका इफेक्ट है ही नहीं। तो लिखना है तो आप लिख सकते हो कि DHPs की वजह से जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का एक तकलीफ होती है वो हो सकता है, एंड बाय द स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एक्शन DHPs कैन वर्सन गैस्ट्रोएसोफेजियल फ्लक्स एज वेल। तो स्मूथ मसल रिलैक्सेशन एक्शन तो है ही, बट जिसकी वजह से अपने को प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर, जो सब प्रॉब्लम इन दी मतलब अपने को वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो एक डर बैठा रहता था अंदर वो तो है ही, बट उसके साथ साथ स्मूथ मसल तो सिर्फ ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइसोफेजियल लेयर, करेक्ट है, तो उस लेयर में भी होंगे, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा गैस्ट्रोइसोफेजियल जो फ्लक्स होगा वो भी वर्सन हो जाएगा,
ठीक है। गैस्ट्रो इसोफेजियल फ्लक्स का मतलब ये है कि गैस्ट्रिक और इसोफेगस के थ्रू से जो फ्लूड जा रहा है, वो फूड का जो कितना अमाउंट ऑफ फूड जा रहा है उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ फूड बेसिकली पासिंग टू द गैस्ट्रो इसोफेजियल लाइन इज विल बी लेस इफ़ यू गिव सच थिंग्स, बिकॉज पेरिस्टाल्सिस रुक जाएगा आपका, पेरिस्टाल्सिस इफेक्ट होगा। एंड यहाँ पर ये भी है दैट CCBs स्पेशली DHPs में एक्यूनेट ब्लैडर वॉइडिंग डिफिकल्टी इन एल्डरली मेल्स, ब्लैडर वॉइडिंग डिफिकल्टी इन एल्डरली मेल्स बिकॉज ब्लैडर के वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स हो सकते हैं, सो ऑफकोर्स ब्लैडर वॉइडिंग कैपेबिलिटी तो होगी, वो अफेक्ट हो सकती है। सो निकले तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको वो नेगेटिव एनाट्रोपिक एक्शन जो था वो आप लिख सकते हो, एक जो रैपेमेंट डेल्टा एसएम की वजह से हो रहा है, दूसरा जो DHPs की वजह से जो हो रहा था, नेफेडिपिन की वजह से अपने को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो भी आप लिख सकते हो पॉइंट। और हाँ, कौन सी प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का जो डर रहता है वो वाली बात। और थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इनके जैसे ब्लैडर वॉइडिंग कैपेबिलिटी जो होती है एल्डरली पेशेंट्स में कम हो जाती है। और फोर्थ जो हम लोग को बोलना है, गैस्ट्रोइसोफेजियल फ्लक्स जो है इफेक्ट होता है, ठीक है। जो अच्छे खासी पेरिस्टाल्सिस होती है हमारे बॉडी के अंदर, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रहे हैं वो अच्छे खासे इफेक्ट हो जाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। एंड या दैट्स इट, और तो CCBs के बारे में जो भी बोलना है आपको, जितना हमने पहले पढ़ा था वही बोलना है यहाँ पर, ओके। बाकी तो यहाँ पर कुछ चीज़ ये बोलनी है यहाँ पर ये वाली कि नेफेडिपिन जो होता है, ओके, अब इसका थोड़ा मोटा अपने को कैसे है ना, दिस इज़ ऑल व्हाट यू कैन से, ये अगर मैं बात करूँ ना, दिस इज़ ऑल द थिंग्स गेटिंग रिपीटेड, आई जस्ट रीड थ्रू ना। इसमें क्या बोला हुआ है, इट इज़ अ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये बात हमने को पता नहीं थी कि नेफेडिपिन का जो है रैपिड एक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, तो ये हमने को बात पता नहीं थी, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और कौन सी दो चीज़ें अपने को पता नहीं थी कि ब्लैडर वॉइडिंग कैपेबिलिटी भी ये कर देते हैं, गैस्ट्रोजियल फ्लक्स को भी ये प्रॉब्लम करता है। और ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल को इफेक्ट नहीं करता, ये दूसरे स्मूथ मसल्स को भी इफेक्ट करता है, तो ये भी अपने को बात पता नहीं थी। दूसरी चीज़ एक ये है कि द डायरेक्ट, हाँ ये तो अपने को पता है कि यू नो द ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ नेफेडिपिन इज आर्टेरियल डायलेशन, यू नो द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, बीपी फॉल्स, डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट ऑन हार्ट रिक्वायर्स मच हायर डोज, बट अ विंग नेगेटिव एनट्रोपिक एक्शन कैन बी अनमास्क्ड आफ्टर बीटा ब्लॉकेड, इट डज नॉट रिप्रेस SA नोड और AV नोड कंडक्शन, वही सब चीज़ें बोली गई हैं, तो उसके अंदर और कुछ है नहीं। हाँ, अगर कुछ देखना तो आप देख सकते हो एमलोडिपिन, बिकॉज एमलोडिपिन भी DHPs के अंदर ही आता है, नेफेडिपिन का भाई है वो। सो इट हैज़ कम्प्लीट बट स्लो ओरल ऑब्जॉर्प्शन, पीक आफ्टर 6 to 2। हाँ, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जहाँ पर नेफेडिपिन जो था वो फटफट काम करके निकल भी जाता था, यहाँ पर इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसको बहुत टाइम लगता है पीक एक्शन शो करने में भी। सो पीक एक्शन डेवलप होने को भी बहुत टाइम लगता है उसको, सो आप खुद सोच सकते हो। एंड अर्ली वेजोडायलेटर इफेक्ट्स क्या आ जाते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन हो गया, फ्लशिंग हो गया, हेडेक हो गया, वैसे इफेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर। और एक सेकेंड नहीं आते, सॉरी आर लार्जली अवॉइडेड, जबकि दूसरे केसेस में आ जाता है ऐसा, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये बोलनी है कि अर्ली वेजोडायलेटर इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि पाल्पिटेशन, फ्लशिंग, हेडेक, पोस्टल डिजीनेस, ये लार्जली अवॉइड हो जाते हैं, ये नहीं होते ज़्यादा करके इफ़ यू आर गिविंग एमलोडिपिन, बिकॉज ऑफ लेस एक्सटेंसिव एंड लेस वेरिएबल फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म, ओरल बायोअवेलेबिलिटी इज हायर एंड मोर कंसिस्टेंट, ओके। तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी सी कंसिस्टेंट है, अच्छी है। एंड या दैट्स, हाँ, और ये है क्या है इसका, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इसका जो पीक है वो 6 hours तक है, और ऊपर से ये भी है कि डायअर्नल फ्लक्चुएशन जो होता है ब्लड लेवल्स के अंदर वो बहुत स्मॉल है, ओके। अब डायअर्नल का मतलब ये होता है, एक सेकेंड, डायअर्नल का मतलब ये होगा कि ड्यूरिंग द डे, पूरे दिन में आपका कितना फ्लक्चुएशन जो है, और इन केस ऑफ एमलोडिपिन ये फ्लक्चुएशन काफ़ी कम होता है, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है। दैट इन केस ऑफ एमलोडिपिन दिस फ्लक्चुएशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ओके। एंड एक और यहाँ पर चीज़ यहाँ पर ये है कि एक्शन एक्सटेंड होगा द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसका एक्शन आप देख सकते हो कि 2 दिन तक
ऑलमोस्ट 1.5 दिन तक ये चाहेगा इसका। ये इसमें ना ये जो पूरा पेज है इसमें आपको ज़्यादा करके फार्माकोकाइनेटिक्स याद रखनी है। जैसे कि निफेडपिन का तो अपने को सब चीज़ें पता ही है, आप खुद थोप सकते हो इसको। बट ऊपर से एक चीज़ अपन ने क्या पढ़ी नहीं थी, इसका एकदम फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और एकदम शॉर्ट में काम करके निकल भी जाता है वो, ये हमको बात पता नहीं थी। और ये एक एमलोडिपिन एक ड्रग है जो हमने डेथ में नहीं पढ़ाई की थी इसकी, उसका हमने देखा था कि जो हाँ मतलब उसमें अभी हमने देखा इसके जो अर्ली वेजोडायलेटर साइड इफेक्ट्स हैं वो नहीं होते एमलोडिपिन के अंदर, जबकि निफेडपिन में होते हैं। बट एमलोडिपिन में अर्ली साइड इफेक्ट्स अपने को नहीं दिखते, करेक्ट है। और उसका अपने देखा कि पीक एक्शन जो है 6 घंटा लगता है पीक एक्शन को, और इसका जो क्योंकि डायर्नल फ्लक्चुएशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, मतलब पूरे दिन में इसका डोज का जो फ्लक्चुएशन होगा ब्लड लेवल्स में वो काफ़ी कम होगा, इससे फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। और इसका एक्शन जो है अच्छा खासा नेक्स्ट मॉर्निंग तक भी दिखता है, सो इट्स वेरी गुड। अभी अपन बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की, ओके। अभी अपन आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स पे। सो बीटा ब्लॉकर्स आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर ज़रूर आएगा, और एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो है ये फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए कभी यूज़ नहीं करते इसको। वी नेवर यूज सच थिंग्स फॉर फर्स्ट लाइन थेरेपी। बीटा ब्लॉकर्स तो कभी नहीं यूज़ करते हम फर्स्ट लाइन थेरेपी के लिए, बट क्योंकि ये माइल्ड एंटीहाइपरटेंसिव्स हैं, ये माइल्ड एक्शन के लिए ज़्यादा डाले जाते हैं, ठीक है ना। ये कैसा एक्शन है पता है क्या, सपोज़ अगर अभी अपन ने रीड किया था, ये अगर डी एच पी के थ्रू से अपने को पता है कि उसका डी एच पी का मेजर एक्शन इज़ टूवर्ड्स वेजोडाइलेशन ओनली, और स्मूथ मसल के ऊपर ही ज़्यादा करके एक्शन होता है हमारे निफेडपिन का। तो अगर उसका जो वीक अगर एक्शन हो भी गया गलती से ओवर हार्ट, और उसका अगर नेगेटिव एनाट्रोपिक एक्शन हार्ट पे दिख गया, तो उसको मास्क करने के लिए हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन के टाइम पे अगर आपको यूज़ करना बीटा ब्लॉकर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट फॉर फर्स्ट लाइन थेरेपी। देन ठीक है, और दूसरा एक क्या है कि हाँ एज आई सेड दैट दे कैन बी यूजली कम्बाइंड विद अदर ड्रग्स एज वेल। सो हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू बीटा ब्लॉकर डेवलप्स ओवर 1 to 3 weeks एंड इज वेल सस्टेंड। हाँ, तो हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स जो रहता है ना बीटा ब्लॉकर्स का, वो अच्छा खासा 1 to 3 weeks लगते हैं इसको डेवलप होने को भी, बराबर। एंड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स स्लाइटली रिड्यूस इन ब्लड फ्लो एंड GFR, बट दिस इज मिनिमम इन द बीटा वन सेलेक्टिव वंस एंड दोज विद ISA, करेक्ट। नॉन सेलेक्टिव यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम होगी, बराबर। और यहाँ पर मेजरली किसकी बात करनी है, हाइपोटेंशन की बात करनी है, दैट्स इट। बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स के अंदर दूसरे भी एक्शन है, ठीक है। तो अभी इसके ए चैप्टर के अंदर, और बीटा ब्लॉकर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चैप्टर के अंदर आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आएगा। तो ये चैप्टर के लिए अपने को सिर्फ ध्यान रखना है ओके, ओनली रिलेटेड टू हाइपोटेंशन, ओनली रिलेटेड टू हाइपोटेंशन। तो देर आर सेवरल कॉन्ट्राइंडिकेशन टू बीटा ब्लॉकर्स इंक्लूडिंग कार्डियक, पल्मोनरी एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। द हाँ, सो द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैव एन अनफेवरेबल इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल को भूल नहीं सकते, बिकॉज जो हमने ड्रग अभी अभी डिस्कस किया है, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए अपने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो गए, जैसे लोसार्टन, ये जितने भी अपने ड्रग्स देखे उनका लिपिड प्रोफाइल पर कोई डेटेटिव इफेक्ट नहीं होता, करेक्ट है। तो ऑफकोर्स यू हैव टू टॉक विद मतलब जब अपन बीटा ब्लॉकर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर अपने की बात करनी पड़ेगी। एडवर्सली इफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स लाइक डिक्रीज वर्क कैपेसिटी, फटीग, लॉस ऑफ लिबिडो एंड सबटल कॉग्निटिव इफेक्ट, ठीक है, फॉरगेटफुलनेस, लो ड्राइव, नाइटमेयर्स, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट यूज़, सो वो भी एक चीज़ है। एंड हाँ, हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस ड्रॉबैक्स आर मिनिमाइज्ड इन बीटा वन रिलेटिव एजेंट्स एंड इन दोस पेनिट्रेट पेन पुअरली, सच देयर आर सेवरल अदर रीजंस एज वेल, ठीक है। प्रेफर अ बीटा वन सेलेक्टिव हाइड्रोफिलिक ड्रग लाइक एटेनोलॉल ओवर प्रोपेनोलॉल। तो प्रोपेनोलॉल के ऊपर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ प्रोपेनोलॉल वी कैन यूज एटेनोलॉल, क्या यूज कर सकते हैं अपन, एटेनोलॉल यूज़ कर सकते हैं। सो मेजर में अपन हाइपोटेंशन में क्या बात करते हैं, हाइपोटेंशन ट्रीट करके देगा कि नहीं देगा, हाँ। तो अपन क्या पॉइंट बोल सकते हैं बीटा ब्लॉकर के अंदर कि माइल्ड हाइपोटेंशन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को दिमाग में पूछूंगा क्या बीटा ब्लॉकर मेरा हाइपोटेंशन, क्या बीटा ब्लॉकर मेरा हाइपरटेंशन मेरे लिए ट्रीट करके देगा क्या, तो मैं बोल सकता हूँ उसका आंसर क्या है मेरे पास कि यस इट कैन डू दैट, इट इज़ अ माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव, करेक्ट है। एंड इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम देता है, 1 to 3 weeks होता है लेता है एक्चुअली में, करेक्ट है। हाँ, अब इसका एडवर्स इफेक्ट्स में अपन क्या बात करनी थी, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल का इफेक्ट करता है क्या, हाँ करता है।
और कौन सा टाइप करता है, नॉन फेवरेबल वाला जो है वो ज़्यादा करता है, करेक्ट है। अच्छा, और भी हम लोग क्या बात करते हैं, हाइपरटेंशन के हिसाब से क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरामीटर्स को इफेक्ट करता है क्या, तो बोलने का हाँ करता है, अच्छा खासा करता है। फिर ऊपर से एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी इंडिया में एक जब मेरे को मैम पढ़ा रही थी, तो मतलब कैसे होता है ना कि इंडिया में हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते स्पेसिफिक मेडिसिन, तो मेजरली हम बहुत बार हम बीटा ब्लॉक से काम चला लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, इसका पोस्टल हाइपरटेंशन का लफड़ा नहीं है बराबर। जैसे हमने कैप्टोपिल देखा था, कैप्टोपिल के अंदर भी पोस्टल हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी, बावल ऑल्टरेशन बिल्कुल भी नहीं है, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन भी नहीं है जो हम लोग डायरेटिक्स में देखते थे, लोअर इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, लो कॉस्ट वन, डेली रेजिमेन, प्रोटेक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। सो वो एक चीज़ है यहाँ पर, करेक्ट है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग अदर डिजीज़ अदर मेडिसिन, दे बेसिकली प्रेफर बीटा ब्लॉकर्स ओवर अदर्स। सस्ता है ना, और क्या है कि फटफट काम हो भी जाता है, ठीक है, भले ही 1-3 वीक्स लगते हैं उसको ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए, बट इट इज़ गुड, नॉट दैट ड्रास्टिक, येस इट इज़ ड्रास्टिक बट ठीक है। तो यू नो फर्स्ट चॉइस के लिए कभी कभी यूज़ कर सकते हैं उसको, अगर कुछ नहीं है तो अपन उसको सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस को तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट चॉइस सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, अल्फा ब्लॉकर जो है ना, और जो सेंट्रल सिंपल लाइटिंग से बाद में करते हैं, ठीक है।